कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जो इंस्टेंट ग्लो सैलून में फेशियल करवाने पे आता है वो हम घर पे क्यों नहीं ला पाते कोई बोलता है बेसन लगा लो कोई बोलता है हल्दी लगा लो मैंने तो दोनों ही मिक्स कर लिए फिर भी वो सैलून फेशियल वाला ग्लो नहीं आ पाया जो आई वॉज़ एक्सपेक्टिंग आई थिंक वो सैलून वाला मल्टी स्टेप फेशियल कुछ अलग ही वर्क करता है लेकिन अब पार्लर में जाओ वहाँ पे वेट करो उनके हिसाब से अपनी टाइमिंग एडजस्ट करो और फिर कम से कम हज़ार रुपये तो स्पेंड करोगी ये झंझट कुछ ज़्यादा ही है अगर मैं आपको सैलॉन वाला फेशियल जो कि इंस्टेंट ग्लो दे सकता है वो भी एकदम कम बजट में सस्ते प्राइस में घर पर ही करवा दूँ तो यस ये पॉसिबल है विथ न्यूड सिक्स स्टेप डी ए वाई फेशियल किट फॉर सैलॉन लाइक ग्लो एट होम इस डी आई वाई फेशियल किट में वो सारे सिक्स स्टेप्स हैं जो सैलॉन वाले फेशियल में होते हैं एंड लास्ट स्टेप बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड मेरा फेवरेट है इससे आपको घर पर ही थर्टी मिनट्स के डी आई वाई में सिक्स स्टेप फॉलो करके सैलॉन लाइक फेशियल विथ सैलॉन लाइक ग्लो मिल सकता है और वो भी बहुत ही सस्ते प्राइस में ओके सो दिस साउंड्स नाइस लेट मी शो यू ऑल दोअ सिक्स स्टेप्स तो पैकेजिंग की बात कर लेते हैं काफ़ी क्यूट पैकेजिंग है एंड ट्रैवल फ्रेंडली है एंड ये डायमंड फेशियल किट है एंड इसकी मापी है थ्री फिफ्टी फाइव रुपीज़ एंड बैक ऑफ दी बॉक्स पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे प्रोडक्ट के बारे में एंड सारे स्टेप्स के बारे में भी अब स्टार्ट करते हैं फेशियल ये मेरे बिफोर स्किन है एंड सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्टेप वन से जो कि है क्लेंजिंग मिल्क एंड इस पर आपको स्टेप नंबर एंड टाइम सब कुछ मेंशन किया हुआ है तो इजी हो जाता है लगाना अगर आप पहली बार इसको लगा रहे हो तो या पहली बार फेशियल कर रहे हो तो तो इसको आपको पूरे फेस एंड नेक पे स्प्रेड कर लेना है एंड अच्छे से दो मिनट के लिए मसाज करना है इससे आपके स्किन पे जितने भी डर्ट या फिर धूल मिट्टी जमी होगी वो रिमूव हो जाएगी एंड आगे जो भी स्टेप करोगे आप उसका इफेक्ट अच्छा मिलेगा आपको तो इसको अच्छे से मसाज करने के बाद आपको एक डैम्प कॉटन टावर की हेल्प से इसको रिमूव कर लेना है ओके नेक्स्ट है स्टेप टू जो कि एक्सफोलिएटिंग फेस स्क्रब तो इसके ग्रेनुल्स जो है वो बिल्कुल भी हार्श नहीं है काफ़ी माइल्ड हैं एंड आपकी स्किन को अच्छे से स्क्रब करेंगे तो इसको आपको अगेन पूरे फेस एंड नेक पे स्प्रेड करना है एंड स्पेशली आपके नोज़ एरिया के अराउंड अच्छे से मसाज करनी है बिकॉज़ वहाँ पे हमें ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स की प्रॉब्लम हो जाती है एंड डेड स्किन जम जाते हैं वहाँ पे तो यहाँ पे आप थोड़ा सा पानी का भी यूज़ कर सकते हो ताकि अच्छे से आप मसाज कर पाओ एंड इसको अच्छे से दो मिनट स्क्रब करने के बाद आप एक मिनट के लिए इसको छोड़ देना एंड उसके बाद वाइप ऑफ कर लेना एक टैम्प कॉटन क्लोथ से या फिर आप मेरी तरह वॉश भी कर सकते हो अपना फेस विथ प्लेन वाटर क्सटेप स्टेप नंबर थ्री है मसाज क्रीम तो इसको भी अगेन आपको अपने पूरे फेस एंड नेक पे अच्छे से अप्लाई करना है एंड अपवर्ड सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है इससे आपके फेस को अच्छा लिफ्ट मिलेगा एंड इसको दस मिनट तक आपको मसाज करना है ताकि अच्छे से स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए एंड अपवर्ड मोशन में आपको मसाज करनी जैसे मैं दिखा रही हूँ एंड उसके बाद जो भी एक्सेस अगर आपकी स्किन पे बचा होगा तो आप एक डैम कॉटन क्लोथ की हेल्प से वाइप ऑफ कर लेना ओके स्टेप नंबर फोर है फेस मास्क तो इसको आपको अच्छे से अपने पूरे फेस एंड नेक पे स्प्रेड कर लेना है एंड ये क्रीमी कंसिस्टेंसी का मास्क है तो अच्छे से आपकी स्किन पे अप्लाई हो जाएगा एंड आपको वेट करना है दस मिनट के लिए तो ये पूरी तरह से ड्राई नहीं होगा बिकॉज़ उसकी क्रीमी कंसिस्टेंसी है बट ये आपके फेस पे सेट हो जाएगा टेन मिनट्स के अंदर तो उसके बाद आपको वॉश कर लेना है अपनी स्किन को विथ नॉर्मल टैप वाटर एंड पैड ड्राई कर लेना है तो स्टेप नंबर फाइव है फेस सीरम तो इसकी आपको थ्री से फोर ड्रॉप्स लेनी है एंड इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी वाटरी एंड लाइट वेट है तो काफ़ी इजीली आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है तो इसको इवनली आपको अपने फेस एंड नेक पे स्प्रेड कर लेना है ओके सो लास्ट स्टेप स्टेप नंबर सिक्स इज सनस्क्रीन जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है बिकॉज इतना सब कुछ जो हमने अभी किया उसको प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी है तो इसीलिए सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है अप्लाई करना यह हमें रू यू वी रेज से बचाता है एंड इसमें एस पी एफ थर्टी है एंड काफ़ी अच्छा ग्लो भी देता है मेरी स्किन को एंड स्मेल भी काफ़ी अच्छी है तो इवनली आपको अपने फेस एंड नेक पे स्प्रेड कर लेना है एंड यह आपकी स्किन प्रोटेक्ट हो जाएगी सो हेयर इज़ माई सेलोन लाइक फेशियल ग्लो एट होम अंडर थर्टी मिनट्स अगर आपका भी कोई स्पेशल डे है या कोई स्पेशल इवेंट है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने घर पर ही एंड वो इंस्टेंट ग्लो पा सकते हो वाओ गेटिंग सैल लाइक फेशियल एट होम इज़ सो इजी बिकॉज ऑफ न्यूड थैंक यू न्यूड एंड गॉड फॉर मेकिंग माई लाइफ लिटल ईजियर also this is skin-friendly product it yani is free from harmful chemicals like paraben sulfate dea formaldehyde uh, and msg and you guys can thank me because i have mentioned the purchasing link in the description box it's available on www.new.co.in and it's also available on amazon and flipkart so go get yours now and i'll see you guys in my next